सपा के साथ अब कोई रिश्ता नहीं, 2020 चुनाव में साथ जाना बड़ी गलती। शिवपाल यादव का बड़ा बयान। बसपा अध्यक्ष होने के बावजूद शिवपाल यादव ने इस साल यूपी विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीता था। चुनाव में पार्टी को वांछित सफलता नहीं मिल पाने को लेकर हुई सपा विधायकों की बैठक में भी नहीं बुलाए जाने से शिवपाल सपा नेतृत्व से नाराज हो गए थे। इसके बाद सपा ने उनकी दूरी फिर से बढ़ने लगी। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के बजाय बीजेपी नीत एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि उन्हें जहां जाना ज़्यादा सम्मान मिले वहां जाने के लिए वह स्वतंत्र हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। 2022 में सपा के साथ जाना उनकी बड़ी गलती थी। उन्होंने न्यूज़ चैनलों से बात करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से अलग लोकसभा चुनाव लड़े, वह उनके साथ रहेंगे। अगर वह नहीं लड़ेंगे तो उनकी पार्टी तय करेगी कि उस सीट से किसे उतारना है। मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 2 सीटें बीजेपी और 3 सीटें सपा के पास हैं। करस से अखिलेश यादव और जसवंत नगर से शिवपाल यादव विधायक हैं। शिवपाल को जसवंत नगर के करीब 1.60 लाख वोट मिले थे और वह लगभग 90,000 वोटों से चुनाव जीते थे। शिवपाल ने कहा कि निकाय चुनाव में पार्टी अधिकांश क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि जनाधार बेहतर हो, वहीं लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का संगठन जहां मजबूत होगा वहां उम्मीदवार उतारेगी। शिवपाल सिंह यादव ने 30 अगस्त को सैफई समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार न बनने पर अखिलेश का नाम न लेते हुए तंज कसा कि कुछ लोगों की वजह से गलती हो गई, वरना हम लोग सरकार में होते तो क्यों यह दिन देखने पड़ते। सब लोगों को पता हो गया है कि क्यों हमारी सरकार नहीं बनी। हमने तो एक ही सीट पर समझौता कर लिया था, तब भी अगर सरकार नहीं बना पाए तो हम क्या करें। हमने तो सीटें मांगी थी, वो भी दी नहीं। शिवपाल यादव ने आगे कहा, विधानसभा चुनाव में हमने हर मंडल में एक एक सीट देने की बात कही थी और एक हेलीकॉप्टर मांगा था। हम सभी ने अपील करते तो कम से कम 20,000 वोट हर विधानसभा से बढ़ जाते। हर विधानसभा में 20,000 वोट बढ़ जाते तो सरकार बन जाती। शिवपाल सिंह यादव ने 1 सितंबर को यादव तथा अन्य पिछड़ी जातियों को एकजुट करने के मकसद से युद्धकुल पुनर्जागरण मिशन शुरू करने का